हेलो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ, यानी कि नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो अगर आप अपना श्रमिक कार्ड को रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करना चाहते हैं तो आप बिना किसी CSC सेंटर पर जाए और बिना किसी CSC ID के थ्रू अपना जो श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड है वो आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही रिन्यूअल कर सकते हैं। ये दोस्तों जानकारी मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड के जो श्रमिक हैं वो परेशान हो रहे थे कि सर हमारा श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड रिन्यूअल नहीं हुआ है, हम किस प्रकार से करेंगे। तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही टॉपिक वाइज होने वाली है क्योंकि आज की जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी CSC ID और बिना किसी CSC सेंटर के आप अपने लेबर कार्ड को घर बैठे ही रिन्यूअल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर आपको टाइप करना है upbocw.in। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है श्रमिक कार्ड वाले ऑप्शन पर और श्रमिक कार्ड वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नवीनीकरण की स्थिति। जैसे आप नवीनीकरण की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसका जो नवीनीकरण का जो पेज है कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड जो आपके पास है उस पर एक पंजीकरण संख्या लिखी होगी जो कि 092 से होगी, वो संख्या आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सामने जो ये जो कैप्चा दिया गया है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसा भी कैप्चा सेम दिया गया है, आपको अपना जो कैप्चा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डाल देना है। ये जो कैप्चा डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे सर्च वाला, यहाँ पर एक सर्च वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। नोट करके दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास अपनी पंजीकरण संख्या नहीं है तो आप अपनी यहाँ पर पंजीकरण संख्या जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी पंजीकरण संख्या आधार कार्ड के थ्रू जान सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसमें अपनी पंजीकरण संख्या और आपको इसमें अपना कैप्चा डालकर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पर अपना जो पंजीकरण संख्या और यहाँ पर अपनी जो कैप्चा फिल करके सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे साथियों आप अपने श्रमिक कार्ड का नंबर और दोस्तों आप अपना कैप्चा फिल करके डालेंगे और उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी होगी। आपका नाम, श्रमिक का नाम, श्रमिक का जनपद कौन सा वो आ चुका है, श्रमिक की पंजीकरण की स्थिति क्या है वो आ चुकी है, श्रमिक की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो रिन्यूअल की डेट है वो आपको यहाँ पर डेट यहाँ पर मिल जाएगी, आपने कब से कब तक का जो भी रिन्यूअल है वो कराया था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सबसे नीचे आएंगे तो नीचे आपको इसकी डेट मिलेगी कि आपने कब तक अपना जो श्रमिक कार्ड है वो रिन्यूअल कराया था। तो आपको यहाँ पर अपनी जो लास्ट डेट है, जैसे कि आपको यहाँ पर इन्होंने अपना श्रमिक कार्ड है 25/2022 तक जो भी है रिन्यूअल कराया था और इनकी जो रिन्यूअल की डेट थी वो 26/9/2022 थी, तो इनकी जो डेट है अभी एक्सपायर हो चुकी है, तो ये अपना जो रिन्यूअल है यानी कि श्रमिक कार्ड अपना नवीनीकरण है करा सकते हैं। तो दोस्तों रिन्यूअल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऊपर आना है, ऊपर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नवीनीकरण। जैसे ही आप नवीनीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। नवीनीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी नवीनीकरण की जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करनी होगी, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक खाता नंबर और उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना बैंक का FSC कोड भी यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि हमारा बैंक का FSC कोड सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ से दोबारा से इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक का नाम यानी जो भी आपकी बैंक है उसे आपको चेक करना होगा, साथ ही साथ आपको अपनी बैंक की ब्रांच कहाँ है वो आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नवीनीकरण की अवधि है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि आप अपने नवीनीकरण कितने साल के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपना नवीनीकरण 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष तक कर सकते हैं। अगर आपको 2 वर्ष के लिए नवीनीकरण करना है तो आपको 2 यहाँ पर चूज करना होगा और 2 चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो डेटा है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे ही आप 2 चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 1 और 2 यानी 1 साल और 2 साल। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप अपने नवीनीकरण को कब रिन्यूअल करेंगे,
अगली तारीख आपकी आएगी 26/9/2024। जैसे कि इनका 2022 तक रिन्यूअल था, तो ये दो साल के लिए रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो इनकी जो डेट है वो 26/9/2024 तक आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नवीनीकरण जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आप अभी भी इसे संशोधित करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसे 3 करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप अभी भी 3 कर सकते हैं यहाँ पर विवरण संशोधित वाले बटन पर क्लिक करके। अगर आप जमा ही करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नवीनीकरण जमा करे वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज को रीलोड लेगा, और रीलोड लेने के बाद डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर पहुँच जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है बिल टैक्स पेमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर दोस्तों आपको लिख कर आ रहा है उत्तर प्रदेश भवन एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। दो साल की आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आपके 40 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, जो कि एक साल में आपका 20 रुपये अंशदान जमा होता है, तो उसके हिसाब से दो साल का 40 रुपये। अगर एक साल का करेंगे तो 20 रुपये, दो साल का 40 रुपये, और अगर आप इसे 3 साल के रिन्यूअल करेंगे तो आपको 60 रुपये का चार्ज देना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर कैश कार्ड, या फिर QR कोड के माध्यम से, या फिर आप अपने UPI के भी माध्यम से जमा कर सकते हैं अपनी पेमेंट को। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो भी डेबिट कार्ड है उसके माध्यम से हम जमा करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पर अपना जो डेबिट कार्ड नंबर है यानी ATM कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो एक्सपायरी डेट है अपने कार्ड की वो यहाँ से आपको चूज़ करना होगी। सबसे पहले आपको मंथ चूज़ करना है, उसके बाद आपको ईयर चूज़ करना है। CVV पिन आपको कार्ड के पीछे दिया गया होगा 3 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, वो आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको अपने कार्ड होल्डर का जिसके नाम से आपका कार्ड है वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर करेंगे, आपके बैंक से जो भी अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, और OTP जाने के बाद दोस्तों आपको अपने यहाँ पर OTP फिल कर देना है, और OTP फिल करने के बाद आपको पेमेंट आपकी सक्सेस हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होती है तो दोबारा से आप बैंक आएंगे, और बैंक आने के बाद आप अपने रिन्यूअल श्रमिक कार्ड को चेक कर सकते हैं, आपका जो श्रमिक कार्ड है 110% रिन्यूअल हो चुका होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पेमेंट को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और आप अपने श्रमिक कार्ड को जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस बताया था आप उसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप उसकी स्लिप भी निकाल सकते हैं, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जो थ्रू जो आपका प्रोसेस था ये बिना CSC और बिना CSC सेंटर के, बिना CSC ID के था। आप आसानी से अपने घर बैठे बिना किसी चार्ज के आप अपना जो श्रमिक कार्ड का रिन्यूअल है, नवीनीकरण है, घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की नई नई जानकारी को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने साथी और दोस्तों के साथ अब इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।